गाइस एंड वेलकम बैक चैनल एक नए व्लॉग में हम आपको भलीकार करते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ जुनैद के पास और हम जाएंगे चिंगदाओ सिटी। आपको पता है चिंगदाओ मुझसे 60 किलोमीटर दूर है, मतलब मेन जो स्ट्रीट है वो 60 किलोमीटर दूर है। तो आज हम एक जगह में जा रहे हैं जो जर्मन स्ट्रीट के नाम से बहुत ही मशहूर है चिंगदाओ में, और मैंने अभी लोकेशन और मैप सब कुछ लगा दिया है। ये व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है तो भाई इसको कंप्लीट देखना। आज हम आपको दिखाएंगे चिंगदाओ सिटी की जो जर्मन स्ट्रीट है उसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये बस है 41, इसमें मैं बैठूंगा। आगे मुझे एक बस और चेंज करनी पड़ेगी, बाकी रश आप चेक कर लें भाई, बस स्टॉप पर कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। बस का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही बस नंबर 1 आएगी तो मैं उसमें बैठूँगा। और आज मेरे पास बहुत ज़्यादा सिक्के पड़े हुए थे, बहुत टाइम से मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैं इनको आज यूटिलाइज़ कर रहा हूँ ताकि इनको मैं ख़त्म करूँ। बहुत टाइम से मेरे पास पड़े हुए थे भाई। बस नंबर 1 से भी मैं उतर चुका हूँ, 300 मीटर मुझे बता रहा है आगे की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पर जुनैद मेरा वेट कर रहा है। आई थिंक उसने बहुत ही प्यारी लोकेशन मुझे सेंड करी है, बहुत ही प्यारा एरिया है। आज उसने भी बोला था कि भाई इस एरिया को जब आप एक्सप्लोर करोगे ना तो मज़ा आ जाएगा और बहुत ही बेहतरीन व्लॉग हो जाएगा। तो इसलिए मैं भाई आपको बोल रहा हूँ कि इस व्लॉग को एंड तक देखना लाजमी। जहाँ पर जुनैद ने मुझे लोकेशन भेजी है, आई थिंक इसी जगह की उसने लोकेशन भेजी है और मैं उसी का यहीं पे ही वेट करूंगा, कहीं ना कहीं पे नज़र आ जाएगा वो मुझे। ये मेरा दोस्त जुनैद, पहले देखा होगा आप लोगों ने। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं एक जगह पे, उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रीट इस तरफ है ना। लोकल कॉफ़ी यहाँ के मशहूर कॉफ़ी है, चाइना की अपनी लोकल ब्रांड है। क्या हो रहा है? नंबर पे है। तो भाई लोकल कॉफ़ी जब भी हम आते हैं लोकल कॉफ़ी को ट्राई करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ये इनकी अपनी लोकल ब्रांड है, इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अभी थोड़ा टाइम हम यहाँ पे बैठेंगे, कॉफ़ी शॉफी पियेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे स्ट्रीट की तरफ और ये पूरी स्ट्रीट हम आपको आज विज़िट करवाएँगे। यहाँ का माहौल आपको दिखाएँगे, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। इट्स लुक लाइक जर्मन, इसका नाम ही जर्मन स्ट्रीट है। तो आई होप के मज़ा आएगा यहाँ पे। तो भाई साहब आपको कुछ टाइम के लिए लगेगा कि हम यूरोप में हैं, और यूरोप में हैं बट चाइनीज़ लोगों के साथ। तो इन्होंने यहाँ स्ट्रीट का माहौल कुछ इस हिसाब से बना के रखा हुआ है कि आपको लगेगा कि भाई ये हम जो है ना जर्मनी में घूम रहे हैं, और बस यहाँ पे जो आपको खाना पीना और जो है लोग जो है वो चाइनीज़ मिलेंगे। यहाँ पर फॉरेनर भी बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं आगे पीछे यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है ना वो बहुत ही करीब है, तो यहाँ पे फॉरेनर भी हैं। मैं हूँ अभी तो फ़िलहाल और मेरे साथ जुनैद है, बाकी हम इस स्ट्रीट को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं थोड़ा। यहाँ का हम आपको खाना पीना भी दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे क्या खाया पिया जाता है। और सामने चर्च हैं, हम चर्च की तरफ भी जाएँगे, आपको चर्च भी दिखाएँगे। और पहले ही आप इस स्ट्रीट को देखें भाई, यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें जो मिल रही हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये चीज़ें खाने पीने की यहाँ पे, हेलो नी हाओ भाई, ये चेक कर लें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं भाई। यहाँ पे कुछ बेचना चाह रही है, हेलो नी हाओ भाई। भाई यहाँ पे ये आपको आइसक्रीम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से देखो भाई, हम उस तरफ से आए थे, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये बैठने की जगह भी आप चेक कर लें भाई, इन्होंने बैठने का स्टाइल भी वही रखा हुआ है। ये वाला भाई मंजर मैं देख चुका हूँ टर्की में, ये देखो ना ये वाली बिल्डिंग आप देखो कैसी लग रही है, जैसे यूरोप में होती है वही स्टाइल इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है बिल्डिंग का। अभी तक हम इसी स्ट्रीट को घूम रहे हैं, बहुत ही प्यारी स्ट्रीट है।
ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी तक हम इसी स्ट्रीट को घूम रहे हैं, बहुत ही प्यारी स्ट्रीट है। ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे यार, ये बहुत बड़ी स्ट्रीट है। दो घंटे से हम घूम रहे हैं इसी स्ट्रीट को और बहुत सारे यहाँ पे आपको टूरिस्ट मिलेंगे। हैं तो चाइनीज़ बट ये समझो कि डिफरेंट एरियाज से आए हुए हैं यहाँ पे, और फोटोग्राफी वगैरह हर बंदा खूब कर रहा है यहाँ पे। ये इस स्ट्रीट का मेन पॉइंट है जहाँ पे हम आए हुए हैं। ये आपको चर्च दिखाते हैं, दो टावर हैं इसमें बड़े बड़े, और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। अंदर जाएंगे आपको दिखाएंगे ये वाला चर्च। मेरे पीछे आपको ये चर्च नज़र आ रहा है। अब अंदर तो हम नहीं जा रहे हैं, हम बस बाहर से ही हमने इसको थोड़ा बहुत शूट किया। ये जुनैद ने अभी बताया कि ये पहले 1000 साल पुराना चर्च है, और यहाँ पे जो है ना ये चिंगदाओ पहले जर्मन की कॉलोनी हुआ करती थी, तो इसलिए इस स्ट्रीट को भी जर्मन स्ट्रीट कहा जाता है। और यहाँ पे भी 2-3 चर्च हैं, और यहाँ पे जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वगैरह है ये पूरा यूरोप और जर्मन स्टाइल में है, इसलिए जर्मन स्ट्रीट के नाम से ये बहुत मशहूर है। और ये यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं भीड़ कितनी है, रश कितनी है। और ये आप देख लो भाई, यहाँ पे शॉप वगैरह लगे हुए हैं, खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप हर जगह पे देखोगे ना जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा जर्मन स्टाइल में है। अभी तक हम स्ट्रीट को घूम रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं यहाँ का माहौल, और आई थिंक आपको बहुत मज़ा आएगा इस स्ट्रीट को देख के। फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पे आया हूँ, टाइम से मैं इस चिंदाओ में था। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा आगे की तरफ, और आगे भी हम आपको दिखाते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखिए, इनकी डिज़ाइन देखिए, आपको लगेगा वाकई कि यहाँ पे जो पूरा कब्ज़ा था ये जर्मन लोगों का था। उनकी बिल्डिंगें अभी तक बनी हुई हैं उसी स्टाइल में, ये देखो पुरानी 1000 साल पुरानी बिल्डिंगें यहाँ पे बनी हुई हैं। और ये भी सामने भी ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है, वो सामने वाली भी बिल्कुल बहुत ही पुरानी है। स्ट्रीट के साथ साथ हम आपको वो चीज़ भी दिखाते हैं कि भाई चाइना कहाँ तक पहुँचा है टेक्नोलॉजी में। ये मेरे पीछे देखोगे ये गाड़ी है, उड़ने वाली गाड़ी है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये उड़ने वाली गाड़ी चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाई है, और उसका यहाँ पे आई थिंक प्रोमो चल रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और इसको चेक कर रहे हैं। ये देखो भाई फ्लाइंग कार हमारे सामने आ चुकी है, और हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। अंदर दो बंदे बैठने की जगह भी है इसमें, और बहुत ही मज़े की कार बनाई हुई है यार चाइना। अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और बस थोड़े टाइम के बाद हम इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाएंगे, जुनैद की रूम में जाएंगे, वहाँ पे हम खाना वगैरह खाएंगे। खाना अभी तक हमने नहीं खाया हुआ, बच्चों के प्ले के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ बना के रखा हुआ है यहाँ पे, और इनके पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत ही मज़े की जगह है यार, आज बहुत मज़ा आया, हमने एंजॉय किया है इस स्ट्रीट को, और आई होप कि आपको भी बहुत ये पसंद आई होगी स्ट्रीट, और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक छोटा सा चर्च है भाई। घूमते घूमते हम ज़ोशांग रोड पहुँच चुके हैं, और ये वाला रोड आप चेक करें यहाँ पर कितना ज़बरदस्त रोड है। सामने वो वाली बिल्डिंग देखो, हर स्क्वायर पे आपको ऐसे म्यूजिशियन मिलेंगे जो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं, और लोग यहाँ पे जमा हो के इनको सुन भी रहे हैं। ये गाड़ी चेक करें यहाँ पे, इधर यहाँ पे जर्मन स्ट्रीट में एक चाइनीज स्ट्रीट भी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने चाइनीज़ का जो कल्चरल ड्रेस होता है वो पहना हुआ है, और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि हम ओल्ड चाइना में घुस चुके हैं, और मैं आपको आगे जाके दिखा रहा हूँ। यहाँ सब ने जो है चाइनीज़ कल्चरल ड्रेस पहना हुआ है। आई डोंट नो कि ये क्यों इन्होंने सब ने ये ऐसा ड्रेस पहना हुआ है, बट ये है कि हम आपको ये वाली स्ट्रीट भी दिखाते हैं। Thank you.
यहाँ पे मुस्लिम जो है शिनजान मुझे नज़र आ रहे हैं, ये हलाल फूड है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। यहाँ की म्यूज़िक से ही पता चल जाता है, वो साइन बोर्ड है इससे भी पता चल जाता है कि ये मुसलमान है। यहाँ पे शिनजान बारबेक्यू लिखा भी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहते हो शासन? भूखा है भाई। ये इसी स्पीड में जो है मुस्लिम फूड वाला भी है, इससे एक नान देते हैं। ये 5 रुपए का एक नान है, आप ये हलाल नान है और मोस्टली ये यहाँ पे बहुत शौक से खाया जाता है ये वाला नान। मैंने इससे एक नान लिया, ये वाली चीज़ यहाँ पे पड़ी नज़र आ रही थी, मैंने इससे पूछा ये क्या चीज़ है। इसने बोला ये मैंने अपने लिए बनाई है, मैं खुद खाऊँगा, और एंड में मुझे इसने डाल के दिया शॉपर में, बोल रहा है भैया आप खा लो। बस अब हम बाहर जा रहे हैं और मैंने ये नान लिया, हम रास्ते में नान खाएंगे, हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा वहाँ जो है हॉस्टल यूनिट वहाँ पहुँचने में। और ये बहुत फूड स्ट्रीट आप देख रहे हो, ये भी एक मुस्लिम शॉप है, यहाँ पे मुसलमान है ये भी शिनजान के, और यहाँ पे भी हम खा सकते हैं। तो भाई ये बस यहाँ स्ट्रीट से हम बाहर निकलेंगे और उसके बाद हम अपना व्लॉग भी फिनिश करेंगे और हम जाएंगे आगे की तरफ। पाकिस्तान। भाई ये बोल रहे हैं कि क्या हम आपके साथ फोटो ले सकते हैं, मैंने कहा चलो खाई माँ खाई खाई खाई। चलो भाई साहब ये स्ट्रीट यहाँ पे फिनिश होने वाली है, हम भी बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद हम इस ब्लॉग को ना फिनिश करेंगे। नान तो हमने ले लिया है, इसको रास्ते में खाएंगे, हमें 1 घंटा लगेगा पहुँचने में, तो जाके वहाँ पे हम खाना खाना बनाएंगे। तो भाई ये स्ट्रीट यहाँ पे फिनिश होने, अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो भाई साहब ये था आज का हमारा व्लॉग, जर्मन स्ट्रीट जो हमने आपको पूरा जर्मन स्ट्रीट का जो है शेयर करवाया, विजिट करवाई आपको, हमने भी देखा और हमने सोचा कि आपको भी ये स्ट्रीट दिखाएं। तो सामने स्ट्रीट पूरी होने वाली है और बहुत टाइम से हमने यहाँ पे घूमा फिरा और इन्जॉय भी किया, आपको भी दिखाया। तो अभी हम चाह रहे हैं कि हम इस व्लॉग को यहीं पर फिनिश करें। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बस अभी इसी के साथ हम इस व्लॉग को करते हैं फिनिश, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई जगह पे, किसी नई लोकेशन पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।